नमस्ते, फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आप सबका आप ही के इस चैनल के केस में। आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो हमें अपना जो कुल्हाड़ी है उसको तेज करना पड़ेगा। अभी हम लकड़ी तो नहीं काट रहे, तो हम लोग का कुल्हाड़ी क्या है इसके बारे में आज बात कर लेंगे। मैं सबसे पहले मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अहम जो बात है, हम जिंदगी में क्यों तरक्की नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, इसके लिए कुछ एक स्टोरी में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो स्टोरी इस किताब में दी गई है, जीत आपके शिव खेरा जी की है। इस किताब में एक अच्छी सी एक स्टोरी दी गई है, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो, शार्पन योर एक्स जिसे बोलते हैं। तो अभी ये अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कैसे करें आगे बढ़ने के लिए, हम लोग के पास कुल्हाड़ी क्या है, वो है हम लोग का दिमाग। दोस्तों, पहले इसको अच्छी तरह से समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूं इस किताब का। एक आदमी था जिसका नाम था मोहन, वो एक लकड़ी काटने वाले कंपनी में काम करता था। तकरीबन उसको 5 साल हो गए वो लकड़ी काटता ही जा रहा था, तो उसको सैलरी मिलती थी 5,000। अभी 5 साल बाद एक और आदमी आया, मुकेश नाम का एक आदमी, उसी कंपनी में उसने ज्वाइन किया, वो भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में। तो मुकेश क्या हुआ, उसने 1 साल काम किया, उसने काम 1 साल के बाद उसका सैलरी है, उसका सैलरी डबल कर दिया गया कंपनी ने उसकी सैलरी डबल कर दी। तो अभी जो पहला वाला जो बंदा था, उसने क्या किया, जो कंपनी में जाकर विरोध किया, जो 5 साल से काम कर रहा था, कंपनी को मैनेजर को जाकर बोला, सर मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूं और आपने अभी तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, लेकिन वो जो नया आया है 1 साल भी नहीं हुआ उसका आपने डबल कर दिया, ये तो एकदम नाइंसाफी है। तो मैनेजर ने डायरेक्टली जवाब दिया कि कंपनी जो है वो मुफ्त में पैसा नहीं देती, वो नतीजों पर काम करती है। अगर आप अगर अच्छा नतीजा रिजल्ट जो है अगर आपका अच्छा है तो उसका आपको मिल जाएगा, आपको आपका जो रिजल्ट है उसी के मुताबिक आपको सैलरी मिलती है। मतलब क्या है, मतलब वो आप जो जितना पेड़ काटते हो उससे डबल पेड़ ये नया वाला बंदा काट लेता है, तो इसलिए उसको ये मिल जाता है। तो अभी ये पहला वाला बंदा सोच रहा था कि अरे हाँ, डबल हो रहा है तो उसको डबल जरूर मिलेगा, तो चलो मैं भी ज्यादा मेहनत करता हूँ बोल के वो मेहनत करने लगा। लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो जो पहला जो उसका जो एवरेज था उससे थोड़ा ही ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो रहा था। तो फिर उसने क्या किया, अपने मैनेजर से बोला, सर मैं तो 4 घंटा और एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन वो तो जो पहले जो 6 घंटे काम कर रहा था वही 6 घंटे काम कर रहा है, लौट जा रहा है फिर भी उसका सैलरी है। तो मैनेजर ने बोला, आप एक काम करो, आप उस बंदे से डायरेक्टली जाकर बात कर लो, तब जाकर आपको इस राज का पता चल जाएगा, मुझसे तो आप मत पूछो। तो ये जो पहला वाला जो बंदा है वो गया उसके पास, बोला भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आप 1 साल में ही आपका तनख्वाह डबल होगी, राज क्या है। तो उसने बोला, नहीं मैं ज्यादा काट लेता हूं इसीलिए। तो ये बोलता है, अभी आप ज्यादा काट ले तो मैं आपसे 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करता हूँ फिर भी मैं मतलब ज्यादा काट नहीं पाता हूँ, आप कैसे काट लेते हो। तो ये पहला वाला बंदा बोलता है कि मैं एक पेड़ काटता हूं और अपनी कुल्हाड़ी जो है उसको धार करने में लगा देता हूँ 2-3 मिनट, फिर दूसरा पेड़ काटता हूँ फिर कुल्हाड़ी धार कर लेता हूँ, फिर तीसरा पेड़ काटता हूँ फिर कुल्हाड़ी धार कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब तक आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करोगे तब तक आप ये पैर अच्छी तरह से काट नहीं पाओगे। तो उसको समझ में आ गया, तभी से वो हर दिन एक पैर काटता है, दो पैर काटता है, फिर कुल्हाड़ी को तेज करने लग जाता है। तो उसने वो फंडा सीख लिया। अभी ये कुल्हाड़ी और इंसान का तरक्की का हम लोगों के साथ क्या मेल है, हम लोगों के साथ मेल ये है, इंसान जो कुल्हाड़ी जो तेज करता है वो हम लोग का दिमाग है। हम दिन भर मेहनत से काम करते हैं फिर भी हम लोग को तरक्की नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग जो है वो उसको हम धार नहीं देते।
तो अभी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिट योर माइंड, अपने माइंड को कम से कम दिन में 15 मिनट एक बुक्स में लगाइए, बुक्स पढ़िए, बुक्स किताब। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, अभी तक अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, इससे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और भी कुछ मैंने बुक्स दिए हुए हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग का दिमाग तेज नहीं होगा, उसको धार नहीं मिलेगी, और धार नहीं मिलेगी तो हम आगे जा नहीं पाएंगे और तरक्की नहीं कर पाएंगे। यह है इस कहानी का फंडा। अभी इसको आपको समझना है, इसको आप समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसमें एक और छोटी सी टिप्स दिया गया है, आप देखिएगा, फीड योर माइंड, ये जो बोलते हैं शिव खेरा जी बोलते हैं फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार है। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों को की खुराक दे तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने हेल्थ के लिए कुछ सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे 100%। उसी तरह दिमाग को भी अगर आपने खराब अगर विचार दे दिया, कुछ गलत गलत आप दिमाग को आपने दे दिया है सोच, तो आपका दिमाग बीमार पड़ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर यह बोला गया है। अभी एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यहाँ पर बोला गया है, शिक्षा एक खजाना है, एडुकेशन इज अ रिजर्व। तो लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करके अपने अंदर ताकत स्टेमिना का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे? सकारात्मक जो लोग होते हैं, पॉजिटिव जो लोग होते हैं, वो अपना जो है दिमाग को हमेशा फिट करके रखते हैं, अपने सोच अपने दिमाग को हमेशा अच्छे अच्छे सोचों से रखते हैं, उसको मतलब लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छी विचारों से, अच्छे 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 कामों से स्टेमिना बढ़ाते हैं अपने अंदर। ये करके इससे क्या होगा, जो बुरा वक्त आएगा, बुरा टाइम आएगा, तभी ये स्टेमिना आपका काम आएगा। नहीं तो आप किस पर विश्वास करोगे? दुनिया में कोई और किसी और की तरफ आप विश्वास करने से बजाय अपने खुद के ऊपर अगर विश्वास हो तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर देते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों का सामना होगा। अगर हम हमारे पास अच्छे विचार का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते, वे आंखों पर पट्टी बांध कर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती है, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वाले को अपने मजबूतियों का एहसास तो होता है, पर उनका सारा ध्यान अपने कमजोरियों पर टिका होता है। ये है जीतने वाले और हारने वाले लोगों का नजरिया। जीतने वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा अच्छे विचारों से रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, वो हमेशा अपने दिमाग को हमेशा अच्छी अच्छी चीजों से फीड करते हैं, खिलाते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों को पता होता है कि फ्यूचर में उन लोगों का खराब टाइम आ सकता है। जब खराब टाइम आएगा तब ये जो अभी जो जो सकारात्मक जो सोच यहाँ पर अंदर जो बैठा बैठा हुआ है, इससे आप लोग मतलब जो उसको मतलब फेस कर सकेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन नकारात्मक जो निगेटिव जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पता होता है उन लोगों का क्वालिटी क्या होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कमजोरी पर हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं, अटेंशन देते हैं कमजोरी पर। तो जब कमजोरी पर अटेंशन दे देते हैं तो उन लोग वो लोग फेल ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये सब करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको फीड योर माइंड, आपके दिमाग को हमेशा फीड करना चाहिए, खिलाना चाहिए। हर दिन मिनिमम 15 मिनट आप बुक्स पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बुक्स पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे, ये बोला गया है इस किताब में। एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को इस किताब के जरिए शेयर किया है मैंने। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग आसानी से और भी आगे बढ़ सके, अपने दिमाग को अपने दिमाग को जो धार जो है उसको तेज बनाइए, और भी शर्प कीजिए अपने दिमाग को और आगे बढ़िए। हमेशा हर दिन 15 मिनट आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने काफी सारे किताबों के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।